बार बार आदमी किसी के यहां दावत में चला जाए तो डोंगे पर डोंगों में धुएं निकाल देता, अपने घर बड़े हिसाब से खागा क्या जरा, हाँ बस बहुत है, बस एक या दो बोटी खागा, इससे ज्यादा नहीं खागा, उसे पता 200 रुपए किलो आ रहा। मगर जब किसी के यहां शादी में बैठ जाएगा तो डोंगों में धुएं निकाल देता, धुएं, ये लोगों ये भी नाजायज है, जो तेरा खाने की लिमिट है उस लिमिट में खा, दूसरे के घर भी, इसलिए कि दूसरे ने जो इंतजाम किया है 1500 लोगों का, इंतजाम होता ना भाई मेरे यहाँ 1500 लोग होंगे तो 1500 लोगों का उस खुराक का इंतजाम करता जो खुराक घर पर खाई जाती है, वो नाके वाली खुराक का इंतजाम नहीं करता। हाँ वो आम मामूली खुराक का इंतजाम करता। अरे यार बावर्ची से हिसाब लगवाओ, 1500 लोगों का खाना खाया जाएगा कितना उठेगा, तो वो इंसानों की खुराक का इंतजाम कराएगा, हिसाब बताएगा, नाके वाली का नहीं बताएगा। बाद बाद आदमी ढाई ढाई किलो पे हाथ फेर रहा, समझ रहे हैं, मोटा मोटा खा रहा, बाकी सब टेबल के नीचे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ख्याल रखो इन चीजों का। किसी के घर में दावत में जाओ तो दावत में जाने के बाद में जो मामूल तुम्हारा खाने का उसी मामूल पे खाना खाओ, जिस तरीके से खाए तो खाना कितना भी लजीज हो मगर मामूल ना तोड़ो। और जब किसी के यहाँ दावत में शादी में जा रहे हो तो तुम ही जाओ, अपने साथ किसी को जबरदस्ती बुला कर ले जाओ, चलो फला होटल में खाना चल रहा, हमारे फला अजीज की शादी है, खाना खाने चलने, तो ये भी साथ हो लिया, चल मेरे साथ चल जाएगा। हराम है, हराम, जिसकी दावत है वही जाए, जिसकी दावत नहीं है वो ना जा सकता है ना उसे कोई ले जा सकता है। फ्री में भी बहुत खा रहे हैं, फ्री में दावत मेरी हुई, मैं अपने दो दोस्तों को साथ में ले गया, चलो चल रहे यार होटल में मारा है, समझ रहे हैं, हराम है हराम, इसलिए कि खाना मेरे लिए था उसके लिए नहीं था। समझ में आई कि नहीं आई? रोजादार के लिए इफ्तारी अगर मस्जिद में पहुंची तो रोजादार ही उससे इफ्तारी करें, जिसका रोजा नहीं है उसके लिए हराम है वो खाना, इसलिए कि जिसने इफ्तारी का इंतजाम कराया रोजादारों के लिए कराया, जो पूरा दिन खा रहा उसके लिए नहीं कराया। और मस्जिद में जाकर जब इफ्तारी हुई तो खा सब रहे, और अब तो ऐसी इफ्तार पार्टी हो रही है, इफ्तार पार्टी में कौन आ रहे हैं सबसे पहले रोजा इफ्तार में? मुलायम सिंह यादव, इनके दादा दी ने भी रोजा ना रखा हो। गरीब की इफ्तार पार्टी तुमने नहीं देखी होगी इतने बड़े पैमाने पर जितनी अमीरों की इफ्तार पार्टियां चल रही, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? हमारे मुसलमानों को भी ना हो क्या गया, दिखावा इनका इतना बड़ा हो गया, इफ्तार पार्टी करा रहा तो उनकी करा जो गरीब हैं, जो ओरिजिनल में अच्छा नहीं खा पाते हैं, इनकी क्यों करा रहा? नेताओं की जिन्होंने कभी रोजा रख के नहीं देखा होता कैसा? नेताओं का चल रहा अखबार मारा इफ्तार पार्टी, इफ्तार पार्टी, इफ्तार पार्टी है या दिखावा पार्टी है? नेताजी एक मरीज को अस्पताल में एक केला दे रहे, मीडिया वाला फोटो खींच रहा, एक केला चार आदमी पकड़ के हाथ से दे रहे, जैसे कई क्विंटल का हो, दिखावे की भी हद हो गई। इंसान और जानवरों का फर्क बता रहा हूं। अच्छी लग रही है तकरीर? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बस सुनिए थोड़ी देर और आपकी खिदमत करूं मैं, और अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम, मेरा तकरीर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि मेरी कौम की इसलाह हो जाए। अगर आपने हलाल खाना शुरू कर दिया तो खुदा की कसम सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर हलाल खाना शुरू कर दिया तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेन चीज ये है कि हलाल नहीं खा रहे हम, कहीं ना कहीं हराम है हमारी रोजी में। गौर तो कीजिए, गौर तो करो। यहां तो मामला ये है, सरकारी नल आ गया तो कोशिश कर रहा मेरे घर के अंदर लगा दे, कमरे में मैं ही पानी पीऊं बस इसका। ये तो देख इस पर हक किस किस का है, जिस जिसका हक है उस पर पहुंचना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमानों कान खोल कर सुनो, इंसानों अल्लाह ने इंसान बनाया, हराम और हलाल में फर्क पैदा करो। जिस दिन आपने हराम और हलाल में फर्क पैदा करना शुरू कर दिया उस दिन सच्चे इंसान नजर आओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं नजर आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, पता नहीं चल रहा है। हाय हाय, पता ही नहीं है, मामला बड़ा अजीब सा हो गया यार। जानवरों में कोई मर जाए तो उन्हें भी कोई टेंशन नहीं, और हम में भी कोई मर जाए तो हम में भी कोई टेंशन नहीं।